महू में पुलिस प्रशासन ने उज्जैन में 12 वर्ष की बालिका के साथ ऑटो चालक द्वारा जंगने घटना को अंजाम दिया था। उसे देखते हुए महू तहसील क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा चालकों को कोतवाली थाने पर बुलाकर हर रिक्शा चालक को समझाइश देकर हर रिक्शा के 3 साइट पर टैग नंबर लगाए गए। एडिशनल SP रुपेश द्विवेदी और SDOP दिलीप सिंह चौधरी और ट्रैफिक सूबेदार विनोद यादव के द्वारा लगाए गए मामले में ASP रुपेश द्विवेदी ने बताया कि महू में करीब 100 से ज्यादा ऑटो रिक्शा हो गए हैं कि पता ही नहीं चल पाता कि कौन सा ऑटो कहां से आया है। अभी कुछ दिन पहले उज्जैन में ऑटो चालक द्वारा एक बच्चे के साथ जो रेप की घटना हुई थी उसी को ध्यान में रखकर महू ट्रैफिक पुलिस और कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा महू के ऑटो चालकों को बुलाकर ऑटो रिक्शा के 3 तरफ टैग नंबर लगाए गए, जिसे ऑटो रिक्शा संचालक द्वारा कोई घटना को अंजाम दिया जाता है तो आसानी से पता चल जाएगा कौन सा ऑटो गड़बड़ी कर रहा है। इसके साथ ही सभी ऑटो के कागजी कार्यवाही भी चेक किए जा रहे हैं, जिसे कागज पूरे नहीं होने उस ऑटो को जब्त कर लिया जाएगा। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। सर, रिक्शों का नंबरिंग हो रही क्या मामला? महू नगर में बहुत सारे वाहन चल रहे हैं जिसमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो पा रहा है कि वाहन कहाँ का है, इंदौर का है, बेटमा का है, सांवेर का है या आसपास के किसी नगरी उपनगरीय क्षेत्र का है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि जो ये 3 पहिए वाहन ऑटो जो चल रहे हैं, जिन सवारियां चल रही हैं, ये ऑटो हैं कहाँ के। ये हमारी बेसिकली मुहिम जो है यातायात और लोगों के परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए है। अभी जैसे हाल में ही आपने उज्जैन में एक घटना देखी है किस प्रकार से घटना हुई है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने का हमारा प्रयास है कि कोई भी वाहन जब सवारी के रूप में ऑटो करता है व्यक्ति, तो वो वाहन नंबर सामान्य रूप से नहीं ध्यान जा पाता उसका, क्योंकि वाहन नंबर जो होता है लंबा भी होता है और छोटा होता है। तो हम लोगों ने एक लिस्टिंग करी है कि वाहनों को एक नंबरिंग दी है जो बड़े बड़े अक्षरों में ऑटो की 3 तरफ, विंडो स्क्रीन की तरफ, बैक में और साइड में, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति इसमें सफ़र करता है तो ये आसानी से उसको नंबर से याद रख सकता है कि मैं इस ऑटो से सफ़र किया था मैंने, या CCTV में भी कवरेज में वो कवर हो सकता है। किसी भी एंगल से अगर ऑटो निकलता है तो ये इस ऑटो, क्योंकि जब भी हम CCTV कवरेज देखते हैं तो गाड़ी का नंबर देखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ है कोई तो वो आसानी से पहचान करना सहूलियत रहती है। तो किसी प्रकार से कोई अपराध घटित ना हो, यातायात सुगम चलता रहे, लोगों को सुरक्षित वातावरण मिले, और जो तो ऑटो में जो लोग चलने वाले हैं उनका वेरिफिकेशन, उनका परमिट, उनकी जो फिटनेस, इन सब चीज़ों को भी हम देख रहे हैं, और ये स्टिकर देख देख के उनको लगाए जा रहे हैं, जिससे कि जो भी स्थानीय तौर पे जो यात्रा कर रहे हैं वो सुरक्षित रहें। और अगर कोई बाहर का ऑटो यहाँ पर आता है तो ये भी आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये ऑटो महू का नहीं था, ये बाहर का कहीं का ऑटो था, जिससे कि अगर कोई घटनाक्रम होता है जिस तो हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएँ। सर, शहर में कई जगह मनमानी करके और भी टैक्सी स्टैंड इन्होंने बना लिया, इसके लिए भी कुछ कार्रवाई? इसके लिए भी अभी लोगों को पहले वार्न किया गया है कि जो यहाँ के 4 नियत स्थान हैं उन 4 नियत स्थानों पर वाहन खड़े करें। अगर उनको ये 4 स्थान छोटे पड़ रहे हैं या जगह की कम पड़ रही है, आवश्यकता और ज़्यादा है, तो वो कैंट के माध्यम से चिन्हित करके स्थान को उसको स्टैंड बनवा सकते हैं। तो इसके लिए भी प्रयास हमारा जारी है। आगे जैसे मैजिक भी चल रही है, उन पर भी ऐसी कोई कार्रवाई? बिल्कुल, मैजिक में भी हम आगे प्लान करेंगे इस प्रकार की।